को डॉक्टर के पास जाना पड़ा जी, हम लोग हो गए थे बहुत ज्यादा चिंतित। हम लोग जो है लगभग लगता है पिछले 10 दिन से सोच रहे थे अब डिलीवरी हो जाएगी। के पास जब हम लोग गए तो डॉक्टर ने जो कहा उससे हम लोग जो है थोड़ा सा शॉक हो गए। सुबह हो चुकी है और हम यहाँ पी रहे हैं चाय। पति देव यहाँ बैठे हुए थे, अभी काम कर रहे थे कुछ, फिर चले गए अंदर। अंदर रहिएगा कि बाहर आइएगा? तो अभी उनका कुछ एक क्लास होने वाला है, तो वो क्लास करेंगे। 1 या 1.5 घंटे का क्लास चलेगा, तो अच्छा है कि कम से कम सुबह क्लास है, सुबह जल्दी से वो अपना क्लास कम्प्लीट कर लेंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे। आज सोच रहे हैं कि आज हमारा 9 मंथ कम्प्लीट हो चुका है पूरा का पूरा, तो सोच रहे डॉक्टर के पास आज जाएँ या कल जाएँ। तो पतिदेव से पूछते हैं, फिर चलेंगे डॉक्टर के पास भी और आगे का काम करते हैं। और इस चाय के लिए हम डेली सुबह डांट सुनते हैं, चाय मत पियो, पी लेते हैं। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि हम सुबह ही एक बार चाय पीते हैं, वो भी थोड़ा सा पीते हैं, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि हम सुबह भी चाय नहीं पिए, ये गारंटी नहीं है। कोशिश करेंगे। वैसे तो हमें लगता है कि 3 साल हो गए हमारी शादी को, 2 साल से हम डांट रेगुलर सुनते हैं सुबह जब भी इनके सामने चाय पीते हैं कि चाय छोड़ दो। तो अब कोशिश है कि अब छोड़ देंगे। आज हमने इनको फाइनली बोला कि ठीक है चलिए अब हम छोड़ देंगे। तो पता नहीं आगे छोड़ पाएंगे या नहीं पाएंगे, आगे भी आप लोगों को अपडेट देंगे। अभी मैं आ गई हूँ बेड पे क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। रात में मैं सो भी नहीं पाई थी बिल्कुल, आप मेरे आँखें देख सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी भजन सुन रही हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो मैं भजन सुन रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फिर मैं रूम ठीक करूँगी। मेरा पूरा रूम कचरा पड़ा है, रात में मेरा पूरा कमर दर्द कर रहा था, तो मैं लेके सोई थी बगल में। रात में बार बार उठ उठ के लगा रहे थे ताकि कमर दर्द छूट जाए, लेकिन फिर भी ये कमर दर्द जो है पता नहीं रात में क्यों इतना जोर वाला है, और उसके कारण हम सो नहीं पाए। देखते हैं ये कब तक ये सब चलता है। तो आप लोग दुआ कीजिए कि फाइनल वाला दर्द हो, एक बार में ही सब कुछ निपट जाए अच्छे से। तो अभी हम भजन सुनते हैं थोड़ा देर, फिर जब अच्छा लगेगा तो पूरा रूम ठीक करेंगे। पूरा रूम मेरा कचरा बना हुआ है, उसे भी ठीक करना जरूरी है, क्योंकि होता क्या है ना कि पार्सल कुछ ना कुछ आते रहते हैं, फिर मैं रूम में रख देती हूँ, फिर मेरा रूम बिखर जाता है इधर से उधर। तो वो चले गए, भजन सुनती हूँ थोड़ा देर, फिर काम करूंगी सारा। फाइनली जी हमारा क्लास हो गया खत्म, अब जो है जल्दी से जा करके ब्रश करते हैं। अभी तक ब्रश भी नहीं किया है, सीधा बैठ गए थे क्लास में, और आज जो है वॉक करने के लिए भी नहीं गए क्योंकि जैसे ही सोकर के उठे क्लास का टाइम हो गया, आज पता नहीं क्यों लेट उठे। जैसे ही हम आए जिया ने टीवी बंद कर दी है, वहाँ पर भजन सुन रही थी जया किशोरी जी का। और यहाँ पर जी आप क्या कर रही है? कमेंट कर रिप्लाई कर रही है इंस्टा पे। जितना टाइम मिलता है मैं सोचती हूँ कि सबके कमेंट का रिप्लाई कर दूँ। तो हमारे यहाँ सत्तू तैयार हो गया जी, तो जल्दी से सत्तू को लगाया जाए और हम इसको पियेंगे। इसके बाद हमारा पेट में जो है थोड़ा कुछ चला जाएगा, और सत्तू पीने के बाद अच्छा खासा देर तक जो है शरीर में रहता है एनर्जी। इसके बाद प्यास बहुत लगता है ना? प्यास, हाँ प्यास तो लगता है। कैसा है? अच्छा है, नींबू थोड़ा मिल जाता ना अंदर तक, ऊपर से ही आ गया। आप लोगों ने नोटिस किया होगा इनको कुछ भी दे तो इनको कुछ ना कुछ कमी नजर जरूर आता है। आज खाने में बना हुआ है जी राजमा, यहाँ आम की चटनी, यहाँ पनीर की सब्जी, दही, और यहाँ है दाल। तो बहुत सारा वैरायटी है। अम्मा गरम गरम रोटी दे रही है। बिल्कुल 5 रोटी होगी, अब छोड़ दो 5 का नहीं हुआ, 4 है। फाइनली हमारा पूजा भी हो गया, यहाँ देख सकते हैं लड्डू गोपाल को, और अब चलते हैं कुछ खा लेते हैं। आज हमारे मोहल्ले में जी अच्छी खासी बारिश हुई है, देख सकते हैं। पहले हमारे मोहल्ले में शुरुआत हुई है, शिव आया था हमारा एक दोस्त, वो पूछा कि उसके साइड हुई है बारिश, तो उसके पापा बोले कि नहीं ऐसा कोई बारिश नहीं हुई है। अच्छा। मेघ लगा हुआ था, बारिश नहीं हुई थी। पहले इस पार में बारिश हो गया पुल के, फिर उस पार में बारिश हुई।
और आज मुझे नहाने में भी काफी लेट हो गया। हम नहाए हैं लगभग 6 बजे, तो शायद ही ऐसा हुआ है कि गर्मी के मौसम में हम शाम में नहाए हो। वैसे दिन में ही नहा लेते हैं, सुबह में ही नहा लेते हैं ज्यादातर। बारिश तो हुई है जी, चलिए अच्छी बात है कि मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, लेकिन उसके साथ जो मच्छर आ गया है पूछिए मत, खतरनाक मच्छर सब। अभी जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आप लोगों से, इस बीच में भी बहुत सारे मच्छर घूम रहे हमारे पैर के इर्द गिर्द। लेकिन हम लोग जो है वो अगरबत्ती जो जला लेते हैं मच्छर को भगाने वाला, अब नहीं जलाएंगे क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता है उसका धुआं। और ऑल आउट जो है, ऑल आउट तो इस मच्छर के सामने काम नहीं, कुछ नहीं है, मच्छर ऑल आउट पर आके बैठ जाता है, ऐसा हाल है आजकल। The next day. हो गया जी टहला हुआ और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बजे ही, ऐसी धूप क्या हाल होने वाला है। अब देख सकते हैं सूर्य देवता वहाँ पर नजर आने लगे हैं, और जो मौसम अभी तक थोड़ा बहुत ठंड था अब वहाँ जो है खत्म भी होने जा रहा है, तो लग रहा है कि कल से हम लोग को सवेरे उठना पड़ जाएगा। अब लेकिन उठते हैं ही नहीं, 5:30 का अलार्म लगा रहता है ना, तो कल से 5 बजे का अलार्म लगाएंगे, क्योंकि 5:30 बजे लगाते हैं अलार्म, तो उठते और ऊपर आते आते लगभग 15 मिनट लग ही जाता है, तो 5 बजे उठेंगे तो 5:15 बजे तक आ जाएंगे ऊपर। तो फाइनली जी अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस परचेज कर लिया है। यहाँ जो एप्पल है यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यूज नहीं कर सकते फ्री में, जैसे विंडोज में उसका क्रैक फाइल सब यूज कर लिया करते थे, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। देखा हमने यूट्यूब पर कि कई सारे है वीडियो जो बता रहे हैं कि क्रैक फाइल आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इतना महंगा लैपटॉप है और इसमें क्रैक फाइल डालना, क्या पता किस तरह का फाइल हो कुछ हो, तो रिस्क नहीं ले सकते। इस लैपटॉप को लेने के बाद कुछ ना कुछ खर्चे लगते रहते हैं, जैसे यूएसबी पोर्ट इसके लिए अलग से लेना पड़ा, इसमें स्पेस ज्यादा नहीं है तो हार्ड डिस्क लेना पड़ा, तो हाथी खरीदेंगे तो हाथी को मेंटेन करने में थोड़ा बहुत खर्च हो ही जाता है, यही हो रहा है। लग रहा है किससे अच्छा जो है विंडोज का ही लैपटॉप था। हम लोग अभी निकल रहे हैं डॉक्टर के पास, यहाँ का 9 मंथ जो है कम्प्लीट हो चुका है, और अब जाते हैं एक रूटीन चेकअप के लिए, देखते हैं बाकी डॉक्टर क्या बताते हैं। आगे जी डॉक्टर के पास से और अपना काम भी कर लिया है खत्म, आप सीधा चलते हैं अंदर। यहाँ पर जी आपको देख सकते हैं आराम कर रही है, आराम करने के साथ साथ जर अपना भजन भी सुन रही है। इसको बंद कर दो वरना कॉपीराइट आ जाएगा। अब बात करते हैं जी आज के डॉक्टर के विजिट की, कि हम लोग को डॉक्टर के पास जाना क्यों पड़ा। जी हाँ, हम लोग को डॉक्टर के पास जाना पड़ा जी, हम लोग हो गए थे बहुत ज्यादा चिंतित। हम लोग जो है लगभग लगता है पिछले 10 दिन से सोच रहे थे अब डिलीवरी हो जाएगी, अब डिलीवरी हो जाएगी। जिया की जैसे ही तबीयत खराब हो, ने भी जान पहचान के थे कहते थे लगता है अब कुछ ही दिन का मेहमान है डिलीवरी हो ही जाएगा, लेकिन क्या हो जिया का तबीयत खराब हो, फिर उसके बाद तबीयत ठीक हो जाए, फिर खराब हो, फिर तबीयत ठीक हो जाए, और ऐसे करते करते अब जो है 9 महीना बीत चुका है, 9 महीना अब कम्प्लीट हो चुका है, 9 महीना से अब ज्यादा भी हो गया। हमारा जो अपना कैलकुलेशन है जी उसके अनुसार जो है 9 महीना कंप्लीट हो चुका है, भले अल्ट्रासाउंड जो है अलग डेट दे रहा है। हमने सोचा कि चलो एक बार जाकर के डॉक्टर को दिखा भी आते हैं। मेरे कमर में इतना ज्यादा दर्द हो गया, ये तो बोल रहे अब लगता है ये नहीं, मन हम सोच रहे थे इसको बाद में बताए, हमें लगा कि लगता है ये वो वाला दर्द तो नहीं है, बहुत ज्यादा दर्द हुआ, कितना मालिश हुआ, क्या मलहम सब कुछ लगा ली है, कुछ नहीं ठीक हो रहा था इसका। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ठीक हो गया, फिर थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो गया, तो मलहम आपने शुरुआत के ब्लॉग में दिखा होगा, वहाँ जो DFO जेल है वहाँ लगा रही थी, तो अपना सो गए थे हम, बार बार उठ के अपना लगा रहे थे, फिर ठीक हो जाता था, फिर सो जाते थे। तो हमको लगा कि एक बार डॉक्टर से दिखाना चाहिए, तो माँ बोली कि एक बार जाकर के डॉक्टर से दिखा दो, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, अभी डॉक्टर के जितने निगरानी में रहोगी उतना अच्छा रहेगा। तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास भी गए, और डॉक्टर के पास जब हम लोग गए तो डॉक्टर ने जो कहा उससे हम लोग जो है थोड़ा सा शॉक हो गए। हुआ ये जी डॉक्टर के पास के उन्होंने कहा कि आपका तो डेट है 12 मई तो 12 मई तक हम लोग इंतजार कर देंगे, और उसके एक हफ्ते बाद तक हम लोग इंतजार करते हैं, तो अभी चिंता वाली बात नहीं है, आपका भले 9 महीना आपके अनुसार हो गया है लेकिन अल्ट्रासाउंड में ये दिखा रहा है, तो उनका जो डेट होता है उसके एक हफ्ता तक हम लोग इंतजार करते हैं। और जो बेबी का पोजीशन बताया तो उन्होंने कहा कि अभी तक वह जो है पूरा बेबी नीचे नहीं आया हुआ है, ऊपर ही है, अभी टाइम है, आप लोग इंतजार कीजिए, अच्छे से खाइए पीजिए, मस्त रहिए, और बेबी का मूवमेंट हर टाइम चेक करते रहिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हर घंटे कुछ ना कुछ देखते रहिए मूवमेंट होते रहता है कि नहीं, ये लास्ट टाइम है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मूवमेंट है, अगर आपका मूवमेंट कम होता है तो तुरंत मेरे पास आइए या फिर मुझे कॉल कीजिए। तो उम्मीद करते हैं जी जल्द ही गुड न्यूज आ जाए, सभी लोग गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हैं। अब तो ऐसा हो रहा है कि दिन लग रहा है बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, हम लोग का लगभग ये जो 8 महीना 8.5 महीना का ये ऐसे बीत गया पता ही नहीं चला, अभी आखिरी का समय जो है ना थोड़ा सा टफ हो रहा है ना। बिल्कुल जी, तो उम्मीद करते हैं जी जल्दी से यह बीते, और आप में से भी बहुत लोग का कमेंट आता रहा था इंतजार कर रहे हैं आपके ब्लॉग का, जब भी नोटिफिकेशन आता है लगता है अब आ गया गुड न्यूज़। और इंस्टाग्राम पे ये जब भी सुबह वॉक करने जाते हैं छत पे तो कुछ ना कुछ डाल देते हैं, स्टोरी डाल दिया करते हैं वहाँ पर, स्टोरी डाल दिया करते हैं, तो और जिस दिन ये नहीं डालते कभी कभी होता है ना कि हम लोग लेट उठे बस वॉक किए और आ गए नीचे जल्दी से, कुछ अपडेट नहीं रहता है, तो सब मुझे मैसेज करके पूछते हैं जी दीदी
गुड न्यूज है कि आप हॉस्पिटल में हो क्या? बिल्कुल। आज कोई अपडेट नहीं आया मॉर्निंग में, भैया ने स्टोरी नहीं डाली, तो ऐसा होता है। तो ये अब थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो कोशिश करते हैं कि स्टोरी डाल दे। दुआ कीजिए कि जी सब कुछ अच्छे से हो जाए, टाइम ही लगे लेकिन सब कुछ अच्छे से हो जाए। जो भी है मस्त है, स्वस्थ है ना। तो अब ऐसा करते हैं, जिस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले। हमारा कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आपको, और हाँ जी वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे। आपके एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।